पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष की टिप्पणियों पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबा चुनाव अभियान किया है और हर बार चुनाव अभियान करने के बाद वो अध्यात्म और ध्यान से जुड़ते हैं, जिस पर विपक्ष के लोगों को बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों हार रहे हैं और पीएम मोदी क्यों 400 पार जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा कैंपेन किया है और हर बार कैंपेन के बाद वो अध्यात्म से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। 45 घंटे का उनका ध्यान है और जिस पर विपक्ष के लोगों को बवेला मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, आपको जाना है किसी मजार पे, आपको किसी मंदिर में जाना हो, कहीं और जाना हो, आप जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। प्रधानमंत्री तो ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या ऐतराज हो जा रहा है? प्रधानमंत्री पर ज्यादा ध्यान है, प्रधानमंत्री हर काम इनसे पूछ के करेंगे। जो जिस पूजा पद्धति को मानते हैं, सनातन धर्म पे चलते हैं और अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से और आध्यात्म के हिसाब से वो ध्यान करते हैं, इस पर भी ऐतराज हो रहा है। ये ताज्जुब का विषय है कि विपक्ष के पास अपनी कमियां ढूंढने के अलावा कोई काम और भी होना चाहिए ना। कुछ कमियां ढूंढिए, कहां गलती रह गई, आखिर क्यों हार रहे हैं, क्यों मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, इस पर उनको विचार विमर्श करना चाहिए। तो वो अभी से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। अरे चुनाव कैंपेन में तो प्रधानमंत्री को एक नहीं अनेक गालियां दी, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री को, आज प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं।